नमस्कार आपण देखुछते अर्गस अपडेट सहित मु निवेदिता आरंभ करबा बुलेटिन प्रथमे हेडलाइंस राज्य 24 घंटा रे 609 जन कोरोना रे आक्रांत खोर्धारु सर्वाधिक 188 ओ कटकरु 113 संक्रमित 8 जीवन नेला बाभारी 18 वर्षरु कम वयस वर्ग रे 122 जन आक्रांत 24 घंटा रे बंगोपसागर रे सृष्टि होई पारे लघुचाप प्रभाव रे 6 जिला रे प्रबल वर्षा पई येलो वार्निंग जारी सारा राज्य रे हेबो हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा मद दोकानी को हीराकुद आईएसी को अनुकंपा दुकान को विरोध करुवा लोकों ना एतला देवा अनुरोध करुवार वीडियो वायरल सेपटे जांकर अपड़ारे मद दुकान को नहीं चली गणधारा पंसीर रे उड़ीला तालिबानी पताका नॉर्थर्न अलायंस चीफ कमांडर को मोहम्मद सालेह मृत्यु सूचना पंसीर वैली उपरे कब्जार दावी कला तालिबान खंडन कला पंजशीर पुणी बद्रीक पु टुटु पात्र गुंडाराज खबर संग्रह करुवा बेले सांबादिक माड़ मारे पूर्व पर्यात निर्वाही अधिकारी माड़ मारी आसी अभोग बाप पुओं चापरे पुलिस आक्शन अभियोग विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आज पंचम दिन चार दिन पर स्वाभाविक चली गृह कार्य बाचस्पति रूलींग विधायकों प्रस्ताव पर भी नवीकरण होनी राज्यर अनेक थाना उफांडी उद्वेग प्रकाश कले कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र आज हिमाचलवासी कथा प्रधानमंत्री प्रथम डोज टीकाकरण सफलता नहीं स्वास्थ्यकर्मी और जनसाधारण करेंगे मत विनिमय वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित रहते हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री एवं छदिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती केंद्र आदिवासी कल्याण राष्ट्रमंत्री विशेश्वर टुटु मोदी मंत्रिमंडल में स्थान पाइबा परे प्रथम ओडिशा गस्त प्रथमे लिंगराज परे जिबे श्रीमंदिर राज्य बीजेपी कार्यालय कराजिबो स्वागत बुलेटिन आरंभ करिबा विधानसभा संपर्कित खबर आज विधानसभा मौसुमी अधिवेशन पंचम दिन स्वाभाविक चली गृह कार्य राज्य में नुआ पॉलिसी स्टेशन और थाना खोलिबा नहीं विधानसभा उद्वेग प्रकाश पाई 68 नुआ थाना 103 टी फांडी और तीन थानार नवीकरण करने 60 जन विधायक प्रस्ताव देते बाचस्पति रूलींग विधायक मान प्रस्ताव पर भी यह कार्यकारी हो गृह उद्वेग प्रकाश करते कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र किंतु कार्यकारी 2017 जो एक्ट है कंपनसेसन फंड गठित है केन्द्र सरकार को हाथ बंधा होगा आउ कौन कारण राज्य मानक मन इच्छा जो दबा कथा दौले देव नहीं तेणु माननीय मंत्री जो कथा कही 2021 आर्थिक वर्ष रे जो आम 18-19 आम आर्थिक वर्ष 16370 कोटी करते ये जो मिश्रण पर 12,100 कोटी टाइम संग्रहित राज्य सरकार उक्त समय रे जो क्षतिपूरण पाई समुदाय 4,200 को मिसाई किंतु 19-20 परवर्ती अवस्था 20-21 जो आम 8,020-21 मिली 8,688.19 कोटी संग्रह पूरण दाबी कर राज्य सरकार से 16,069.31 करोड़ जो क्षतिपूरण पाई यानी जो बैक टू बैन करने पक्षे से राज्य सरकार किसी क्षति पाइबे कि कारण ये जो फर्मूला फल राज्य मैंने आसीस्टाट वंचित हो लोन पाइबे और से लोन टर्म्स कंडीशन कौन मान मंत्री दयाकर कहे कि जो 2021 आर्थिक वर्ष जुलाई मस पर्यंत क्षतिपूरण जो पाइबार अच्छी 169.47 कारण 21-22 आम सर सेप्टेम्बर आलोचना कर जो समय रे आमर 169.47 कोटी क्षति बाकी अच्छी ये दिगरे राज्य सरकार केन्द्र सरकार को जहाँ कौन स्थिति जीएसटी काउनसिल कौन निष्पत्ति दयाकर गृह को जन माननीय मंत्री
सर कोविड 19 महामारी जितेबले देखागला जे केंद्र सरकार आकलन कले जे कंपेनसेशन फंड को जहाँ पैसा आसीबा कथा विभिन्न सोर्स रु से पैसा आसीबार आशा कमीगला तेणु सर केंद्र सरकार आकलन कले जे कंपेनसेशन जेहेतु जीएसटी कमिले कंपेनसेशन बढ़िबो आमर जहाँ आकलन अच्छे आमर आय जदि कमिला सर इटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दि कंपेनसेशन अकाउंट ताहा बढ़िबो तेणु केन्द्र सरकार आकलन कले जे समुदाय 3 लाख टंका रिक्वायरमेंट आसीबो किंतु एक्चुअल कलेक्शन आकलन करागला 97,000 कोटी टंका तेणु केन्द्र सरकार सर तेणु केन्द्र सरकार सर देखिले जे निजस्व आयरु कंपेनसेशन फंड रु एवं कंपेनसेशन जहाँ स्टेट पाइबार लगे आकलन होता भरणा हो पार ना कौन काल किंतु कोविड 19 महामारी खर्च निहाती राज्य मानक दरकार तेणु काउनसिल डिसीजन नाला जे बैक टू बैक लोन कराइबो बैक टू बैक लोन कहले सर जे केंद्र सरकार 2 प्रकार ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 देले राज्य मानक सर ऑप्शन 1 रे रहिला जे केंद्र सरकार ऋण करिवे एवं राज्य मानक परमिशिव ऋण दे जार कि ऋण एवं इंटरेस्ट आमर जो धार्य समय अच्छी 6/22 जून 22 पर पुणी कंटिन्यू करी आकलन कर ऋण को एवं सुध को परिशोध कर सही प्रकार आमको सर जो आमर जहाँ आकलन होती अधा आमको दे जहाँ कहली बारंतरे कही रेकर्ड एवं बाकी अधा ऋण बाबद आमको सरकार मुझे यू प्राजल भाव बुझेवाई सर गोटे बर्षर कथाटा को रखुच्छी एटी यार फल कि समस्ते बुझीपर सर सपोज आमर 2021 वर्ष जोटा कि मुख्य कोरोना पाई आम एफेक्टेड होता आमर आर्थिक वर्ष पाई आकलन है आमर 21,274 कोटी टंका सुनिश्चित राजस्व आम एति राजस्व राज्य में 24 घंटे 600 नुआ पॉजिटिव एथिरे क्वारंटीन 354 और लोकाल केस 255 रही खोर्धार सर्वाधिक 188 और कटकु 113 आक्रांत रही 18 वर्ष कम वयस वर्ग में 122 जन संक्रमित होती संख्या लगातार किसी दिन हे 100 ऊपर रही जहां राज्य पर चिंताजनक निश्चय सेपटे गत 24 घंटे जदि देखिए 8 जीवन नहीं महामारी खोर्धार 3 पुरी 2 और गंजाम 2 जन मृतक रही राज्य में चिन्ह आक्रांतों मध्य अनुगुल 12 बालेश्वर 31 बरगड़ 9 भद्रक 11 संक्रमित होती या मिसाई राज्य में मोट आक्टिव केस संख्या 6,996 रही मद दोकानी को आईआईसी अनुकंपा मद विरोधी लोकों नाँ एफआईआर देवा आईआईसी मद दोकानी को कौन एने एक वीडियो वायरल होती सोशल मीडिया रे मद दोकान को विरोध करुवा लोकों नाँ थाना अभियोग करने दोकान मालिकों अनुरोध करुंट आईआईसी संबलपुर हीराकुद 11 नंबर वार्ड झाकरपड़ा मद दोकान खोल को गोटेपटे विरोध कर थाना अभियोग करने जिलापाल एसपी आदि जिला डीआईजी द्वारस्थ होती एने हीराकुद वरिष्ठ नागरिक मैंने दीर्घ 70 दिन हे गणधारणा देते आई समय हीराकुद आईआईसी चित्तरंजन नायक मद दोकान मालिक कथार समय एक वीडियो सामना को आसी हीराकुद थाना अधिकारी मद दोकान मालिकों को फोन करी तांको नारे थाना रे एफआईआर देवा पई कहिछन तोमरा फाट दियो काई नी गलत तेरा के दउतला तमे जन देथिला के फिरे देनो ना दे दियो तांको नारे भी केस छिबा तमो नारे केस छिबा नवरंगपुर लज्जा माँ को मणातक आक्रमण कर नाबालिका झील को दुष्कर्म अभियोग तेतुले खुंटा थाना एने अभियोग कर पीड़िता बापा अभियोग को भित्तिक तेतुलीखुंटी पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त करी अनेपटे आक्रमण शिकार होता माँ कोरापुट मेडिकल जीवन मरण सह संघर्ष करज जमी को कम करने को जाते जमी कम सारी उभय संध्या समय घर को फेरुवा बेले अभियुक्त एभली कांड भिहाइला झील समस्त घटना पर लोक जनवा थाना अभियोग करते बापा पुलिस अभियुक्त को घटनास्थल को नहीं सीन रिक्रिएट कर अभियुक्त विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान दावी करते पर लोके अभियुक्त को गिरफ्त कर तदंत जारी रखी पुलिस
केन्द्र बंगोपसगर सृष्ट घूर्णिबलय लघुचापर रूप नेब। प्रभावे दुई दिन धरी राज्य में वर्षा होगा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग आकलन कर। आज सका राज्य विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही। दुई दिन धरी राज्य विस्तृत अंचल में वर्षा लग रखे आज छटी जिले में प्रबल बर्ष। यह जिलागुड़िक कोरापुट, गजपति, कलाहांडी, कंधमाल, पुरी रही। समस्त जिला को पाणीपाग विभाग पक्ष येलो वार्निंग जारी कर। आसंता काली नुआपड़ा, बलांगीर, खोर्धा, कटक, जगत सिंहपुर, मयूरभंज, नवरंगपुर इत्यादि जिले में वर्षा होगा नहीं सूचना रही। अंपटे केतेक जिला को वज्रपात नहीं सतर्क करजीवी को समुद्र भितर को प्रवेश बारण कर। आगामी 11 तारीख में आउ एक लघुचाप आसवा नहीं सूचना रही। आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। तालिबान रो बड़ दाबी, पूरा पंसी रेबे तालिबान कब्जा रे। एपरिक नॉर्दर्न अलायंस रो चीफ कमांडर मोहम्मद सालेह को मध्य मृत्यु होइतिबा दाबी करा जाउछि। अवश्य खबर को खंडन करउछि पंसी। सेपटे तालिबान कहउछि खूब शीघ्र पंसी मसूद परिवार रो राजरु स्वतंत्र होइछिबो। तबे तालिबान रो मुख्य प्रवक्ता जबीबुल्ला मुजाहिद बयान मध्य जारी करिसेंति ए विजय पूरा देश को युद्धर छारू बाहर को आनी पारिछे। सोशल मीडिया रे वायरल होतबा वीडियो रे तालिबानी पंजशीर रो प्रांतीय गवर्नर परिसर रो गेट सम्मुखरे ठिया होइतपार देखबा को मिलछे। पुणी बद्री पुओ टुटु पात्र गुंडारा सांबादिक को माड़ मारे बद्री पात्र पुओ टुटु पात्र। खबर संग्रह करने को समय आक्रमण कर टुटु पात्र। टुटु पात्र समर्थक मैंने मिसी माड़ मारी अभोग कहीं आसीचु कही माड़ मारी टुटु। पुणी बद्री पु टुटु पात्र गुंडाराज टुटु आक्रमण शिकार हेले सांबादिक। सांबादिकंकु माड मारिले बद्री पात्रंक पुओ टुटु पात्र ओरफ देवाशीष पात्र। खबर संग्रह करिबाकु जाइथिबा समय रे आक्रमण टुटु पात्र ओ तांक समर्थक माने मिलिमिसि माड मारिथिबा अभिजोग करिसेंति सांबादिक जनक। काहिकि एठाकु आसिचु कहि माड मारिसेंति बिजेडी विधायक बद्री पात्रंक पुओ टुटु पात्र। सामनाकु आसिला केउझर जिला घसीपुरा विधायकंक पुओ देवाशीष ओरफ टुटु पात्र गुंडागर्दी। सांबादिक पर्तिले नहीं। रविवार घसीपुरा निर्वाचन मंडली अंतर्गत घटवा ब्लक गदाधरपुर पंचायत खुंटा गाँव एक फुटबल मैच को टुटु पात्र जाते जोटी की संवाद ग्रहण करने को एक खबर कागजर सांबादिक विभु प्रसाद चक्र देखा मात्रे टुटु पात्र समर्थक मैंने गोटे गोटे पिटी कहीं मो विरोध में खबर करुचु कही पिटी टुटु पात्र। खबर संग्रह पाई गोटे क्रिकेट फुटबॉल टूर्नामेंट होता खुंटा गदारपुर पंचायत खुंटा गाँव रेटी की जवाब से गड़बांद गुड़ा बद्रीनारायण पात्र पु देवाशीष पात्र सी आसिक मत आक्रमण करते गोईठाटे मारे और कहले तू मदारचू तो यू पढ़ा तू यू घर छाड़ी पढ़ा आदि थाना एफआईआर देवु तो मर्डर करदेबु आपर सी गोईठाटे मारिकी पलैया खुंटा गाँव रंजित पलई रमेश पलई और विजय पलई आसिक प्रबल मड़ मारी सी भी मर्डर पर धमक देते और मो गाड़ीटा और मोबाइलटा मोर सी रखिंट छड़ी केवल जे मड़ मारी सहित जीवन रू मारिदे धमक देते बीजेडी विधायक बद्री पात्र पु टुटु पात्र। एने पुलिस निकट में अभियोग आंबादिक विभु प्रसाद चक्र मुसिकी घटगा थाना अभियोग कर से तदंत करेंगे से गाड़ीटा सीज कर मोबाइलटा आनी ना गाड़ी सीज कर रखिंट। पूर्व अनेक अभियोग रही बद्री पात्र पु टुटु नाँ पूर्व से कही जड़े अजोग्य हिताधिकारी को घर न मिलवर टुटु पात्र और स्थानीय सरपंच स्वामी पंचायत निर्वाही अधिकारी को माड मारी अभोग घटन एपर्तंत कार्यानुषान शुण अनेक अभोग भी बीजेडी नेता पु बोली सबु माफ केव आक्शन केबे गिरफ हे टुटु पात्र। केउझर घसीपुरारु मास्टर सरनम को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बहुत हैला आउ नुहे एतरो पानी पाई पंचायत निर्वाचन रे दियाजबो जवाब। पानी न मिलिले भोट देबेनी 50 परिवार।
ଜଳ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଜୀବନ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେପଟେ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର କାର। ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ, 50 ହରିଜନ ପରିବାରର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ଦେବେ ଜବାବ, ବହୁତ ହେଲା ଆଉ ନୁହେଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବିରିପୁର ଗାଁର। କଳ ଅଛି, ପାଣି ଆସୁନି, ସୋଲାର ପାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଲଟା ମାଡ଼ିଛି। ହଁ, ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ପାଣି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏତେ ଭିଡ଼। ଏ ହେଉଛି ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ। ପାଣି ଦୂଷିତ କିନ୍ତୁ ବାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଏକ ଅପରିଷ୍କାର କୂଅ ବି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା। ଆମକୁ ସେ ପାଣି କୁରଙ୍ଗ ପାଣି ଆଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଆଇବାକୁ ନାହିଁ କି କିଛି ଆଇବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ କୁରଙ୍ଗ ପାଣି ଖାଇଦେଉଛୁ, ସେମାନେ କେତେ ଜଙ୍ଗ ପାଣି ଆଉଛି, ଆମକୁ ଆଇବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବେକାର ଆମେ ସେ ପାଣି ପାଣି ଛାଣିକି ଆଗ ଖାଉଛୁ। ଭଲ ପାଣି ଦେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, କାହିଁକି ଦେଇଛି କି ସେ କେଉଁ ପାଣି ଦେଖ, ରଙ୍ଗ ପାଣି ଆଗା ପଶିକି ସବୁଆଡ଼େ, ଆଉ ସେ ମେଗାଟା ତ ଜଙ୍ଗ ପାଣି, ଆଉ ପାଣି କେଉଁଠି ଖାଇବୁ? ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲେ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ଯାକ ଦେଇନ, ଆମେ କେମିତି ଦେବୁ? ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ପାଣିଟା ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପେଜୁଆ ପାଣି, ଲାଲ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେ ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସମୟ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୁହାର କଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 60 ଘର ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଗାଁ ଆମ ଗାଁଟା। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୋଲାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଅଚଳ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନେତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ, ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଆପଣ ଏ ଭିଜୁଆଲରୁ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗାଁର ନଳକୁଣ୍ଡା ଥିଲା ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମଇଳା ପାଣି ବାହାରିଛି, ଲୋକମାନେ ପିଆ ପିଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ସୁବିଧା ନ କରାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ ନେତା ଅଛନ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭୋଟ ଫୋଟ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଗେ ଆମକୁ ପାଣି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାହା ଦେଖିବା। ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତ, ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଉଚିତ ନେତାଙ୍କୁ ଜିତାଇ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରେ ଖଣି ମାପିଆଙ୍କ ରାଜ, ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଓ ପଥର ଲୁଟ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଧମକ, ସବୁ ଜାଣିବି ନିଦାବୃଷ୍ଟ ସାଜିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ। ନୟାଗଡ଼ରେ ମାତିଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆ, ଦିନରାତି ଚାଲିଛି ପଥର ଲୁଟ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏ ହେଉଛି ରଣପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନ କଟଗଡ଼ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ଖଣିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଦିନରାତି ଚାଲେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ପରିମାଣର ପଥର ଖୋଳି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଗୋଟେପଟେ ମାଫିଆଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ ହେଉଛି ତ ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଏହି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ କିଛିଦିନ ଏପରି ଚାଲିଲେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜମିରେ ପଥର ପଡ଼ି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଇଆ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ଆମର ଥିଲା, ଏଥିରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ବାସବାସ କରନ୍ତି, ବିଲବାଡ଼ି ଚାଷ ହୁଏ, ଭଲମନ୍ଦ ହୁଏ, ଲୋକବାସ ଏଥିରେ ବି ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାଠ ପତ୍ର ନେଇକି ବି ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି କାମ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଏଇଆ ହିଁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏ ଜିନିଷ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଏ ଯେଉଁ ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଷବାସ କରିବାକୁ ବି ସବୁ ପାଣି ଟୋପି ମିଳୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ଖୋଳା ଚାଲିନି, ଅବିକା ଆଇନ ବିରୋଧ ଆଇନ ବାହାରେ ବି ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଚାଷ ଜମି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ, ଏଠି ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ଚାଷ ଜମିର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଏଇ ପଥର ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ କରିବାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଈଗୋରୁମାନେ ଚରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛେଳି ମେଣ୍ଢାମାନେ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଗୋଟେ କାଠ ଗୋଟେ ଆସିକି ନେଉଥିଲା ଜାଳ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆସିକି ନେଇପାରୁନି। ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା କ'ଣ, ଅବିକା ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲା କ'ଣ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯେଉଁ ଆଣିକି ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ମରମ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲା କ'ଣ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି।
प्रतिदिन ट्रिप टिप प्रथार बेआईन चलाण होते भी यह प्रशासनिक अधिकारी नजर को आसुनी सेपटे अभियोग तदंत कर कार्यानुष्ठान बोली प्रतिश्रुति उपजिलापाल अधिका एक्सट्रैक्शन क्या कहते आम आर आई और तहसीलदार लेवल प्रति पंदर दिन थे सब खणिगुड़िक नियमित भाव जांच करा जेहेतु आपर कम्प्लेन आसी पहुँची आम पुणी तदंत करूँ जदि एक्सट्रा 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 होमर जमी सरकार नियम अनुसार से अनुसार पेनाल्टी इम्पोज करोटगड़ खड़ी नंबर टू अच्छी सब तदंत करली खी खोलता है एक्शन दिया रणपुर में पथर खणी माफियां दौरात्म्य दिनक दिन बढ़ुता बेले प्रशासन केवे एथिप्रति दृष्टि देउछि देखा बाकी रहा रणपुर प्रसन्न कुमार साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी और टीकाकरण कार्यक्रम हिताधिकारी कथा होती प्रधानमंत्री मोदी सीधासख और आप टीकाकरण को अपने गांव में सभाने में जुटे हैं। जी सर लगता है राज्यों ने पूरा जिम्मा अपने कंधे पर ले लिया है। जी सर हाँ बताइए। जी सर मैं पहले 2006 से 11 तक प्रधान भी रहा। मैं थुनाग पंचायत से बोलधार पंचायत पड़ती सर। तो उसके बाद हम अभी 60 साल से ऊपर हो गए। हमने भी अपने आप को टीका कराया। लोगों को डर था कि टीका कैसे कराएं ना जाएं किया गांव-गांव जा करके सबको। तो हमने अपना टीका करा करके उनको बताया कि बस सबको ठीक है। तो लोग जो है धीरे धीरे टीकाकरण की तरफ आने। ये थुनाग तो मंडी से काफी दूर पड़ता है। जी सर वहाँ आप जैसे साथियों को टीका लगाने किस तरह की चुनौतियां आई और कैसे आपने दूर किया? कोई चुनौती नहीं आई सर। इसमें हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी गण जो है उन्होंने बड़ा सहयोग किया और हमारे दूसरे अधिकारियों ने भी बड़ा सहयोग दिया। इसमें हम जो है सफल है सर। कठिनाई तो थी आप कहे मानते नहीं हो। अब देखिए देश में टीकाकरण को लेकर बहुत सारी गई लोगों को मैं अविश्वास पैदा हुआ। यहाँ तक खेल किए गए। अब ऐसे गांव के व्यक्ति को समझाना जरूर कुछ तो दिक्कत आई होगी। नहीं पहले तो दिक्कत आई। कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई कि इस टीकाकरण से कुछ हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन उनको ठीक ढंग से समझा इसमें कुछ नहीं होता है। अब हमने भी खुद टीका लगाया और उनको भी टीका कराया। अब जो है लोग धीरे धीरे जो है आने शुरू हो गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत इसमें सहयोग रहा। देखिए दयाल जी आपके माता पिता ने आपके अंदर बचपन से ये गुण देखे हैं। दयालु है आप इसलिए आपका नाम भी दयाल रख लिया है। जी आप सभी सचमुच में बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं और तभी इस प्रकार की सफलता हिमाचल को मिल पा रही है। और एक टीम बनकर के काम किया ये मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर हो सरकारी डिपार्टमेंट हो मुख्यमंत्री हो सबने एक टीम बनकर के काम किया है। आप देखिए पहले डोज में तो सफलता पाई है। अब दूसरी डोज के लिए भी हमें जरा भी ढीला नहीं पड़ना है। जी सर। और जब मैं मंडी वालों से बात करता हूं तो मैं तो कहूंगा ही मंडियाड़ी धाम का स्वाद मैं मिस कर रहा हूं। सर मंडी को तो आप दूसरा घर मानते हैं या पहले से हमें मालूम है। सर आप यहाँ प्रभारी रहे और अच्छे तरीके से आपने देश को भी संभाला है। हम आप पर पूरा भरोसा रखते हैं कि आगे भी आपको भगवान लंबी आयु दे और इस देश को संभाले। मालूम है सर आप यहाँ प्रभारी रहे और अच्छे तरीके से आपने देश को आप पर पूरा भरोसा रखते हैं कि आगे भी आपको भगवान लंबी आयु दे और देश को संभाले। मुझे पूरा भरोसा है कि आज भी धाम का स्वाद ऐसा ही रहता होगा। जी सर चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सर। आइए अब निर्मा देवी से बात करते हैं। निर्मा जी जिस इलाके में आप काम करती हैं
वो तो एक प्रकार से तीर्थों की धरती है, वहां मणिकर्ण भी है और मलाना जैसा प्राचीन देव गणतंत्र भी है। मलाना में टीकाकरण को लेकर आपके कई विशेष अनुभव रहे होंगे, क्योंकि मलाना एक विशेष का है। मैं स्पेशली मलाना देखने के लिए गया था, वहां के विषय में इतना सुना था, तो मैं जानना चाहूंगा आपके अनुभव क्या। सर, मलाना में अपना जमदग्नि ऋषि का आदेश के बिना कोई भी कार्य नहीं किया। तो मलाना एक बहुत पुराना गांव है सर, यहाँ अपना ही कानून चल रहा है, बाहर से किए गए आदेश को नहीं माने जाते सर। अच्छा, मलाना ही नहीं, कुल्लू सहित कोने में देवी देवताओं में बहुत विश्वास है। देवता जी से जुड़े लोगों में आपने मदद की या सवाल पूछे शुरू में? जी सर, जमदग्नि ऋषि से आदेश लिए हमने, जमदग्नि ऋषि से बिना पूछे हमारा वहां पे कोई कार्य नहीं जाते, आज्ञा लेना पड़ता है जमदग्नि ऋषि से। अच्छा, मलाना जाना है तो इतना समय पैदल चलना पड़ता था? 6 घंटे का पैदल सफर करना पड़ता सर। 6 घंटे चल के जाना पड़ता था? हाँ जी, बड़ी चुड़ाई हो के सर। टीकों का बॉक्स वगैरह ले जाते थे उसको? आपण देखुले हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी और टीकाकरण कार्यक्रम हिताधिकारी सहित प्रधानमंत्री मोदी सीधासख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जगे आलोचना करते समय सरचे। बुलेटिन को एड सर मत विदाय दिंतु। नमस्कार।